वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बज गए सुबह के 5:30 और हम जा रहे हैं अभी राइडिंग करने। राइडिंग करके आ जाते हैं 6:30 तक, देन फिर चलेंगे अपन वॉकिंग करने का। आधा घंटा वॉकिंग भी कर लेंगे तो 7:30-8 तक अपन सब निपटा लेंगे एक्सरसाइज। फिर महज एक दो ढाई किलोमीटर की जो वॉकिंग क्राइटेरिया रह जाएगी उसे हम करेंगे शाम को। तो फिलहाल मैंने ये वॉच अभी पहना है जो लिया था मैंने ऑनलाइन ऑर्डर से, फास्ट ट्रैक रिलीफ फील या रिलीफ ऐसा कुछ यार, फास्ट ट्रैक बीट प्लस। तो बीट प्लस स्पोर्ट्स मोड में अपन लिए थे इसको, तो अभी चलते हैं देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है। तो चलते हैं भाई, निकलते हैं बढ़िया मस्त। सामने मौसम देख रहे हो भाई, धुंध हो रखा है पूरा, एकदम जबरदस्त मौसम है। तो हम इसी ओर ही आ गए हैं वृंदावन लॉन की ओर ही, और पूरा ओस धुंध है एंड आज पानी दिखा भी रहा है यार। वो आज सावन के प्रथम पहले सोमवार है आज, जो सभी को सावन श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर बनी रहे। और बस राइडिंग करते हैं मस्त। देखो पूरा रंग पेंट हुआ है, जय भोले शंकर जय भोले शंकर जय श्री राधे कृष्ण जय श्री राधे। भाई साहब व्यू तो देखते ही बनता है यार, देख रहे हो क्या व्यू है यार, ऑसम व्यू पूरा। क्या मौसम है यार, मानना पड़ेगा एकदम ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर वाला सीन चल रहा है यार, अक्टूबर नवंबर वाला। करते करते हम मंगड़ू कचोरा ग्रीन्स कॉलोनी जो है वहाँ पहुँच गए, और अभी सीधे ही जाएंगे बाबू सिमरा तक। देखते हैं वैसा टर्न लेके आ जाएंगे बाबू सिमरा हटूरा से, या तो यू टर्न लेंगे। फिलहाल मस्त जा रहे हैं, देखो वो रहे सूर्यदेव भाई, सूर्यदेव का आगमन और जय सूर्यदेव जय सूर्यदेव। और ये अपना मार्ग जहाँ हमें जाना है, तो इस ओर हम जा रहे हैं बढ़िया। तो ये राइडिंग करते करते हम बाबू सेमरा से हाटगुड़ा वाले रोड में जा रहे हैं भाई, यू टर्न नहीं लिए। तो यहाँ से जाएंगे तो लगभग 12-12.5 किलोमीटर हो ही जाएंगे। 2 किलोमीटर जो है हम हाटगुड़ा बस्ती के अंदर कवर करेंगे, फिर बाकी देखते हैं कैसे कवर करना है। फिलहाल मस्त जा रहे हैं और मौसम अच्छा है, और सूर्यदेव जो है फिर से बादलों के बीच में घिर चुके हैं भाई। तो आज बारिश दिखाई रही है, सावन का महीना भोलेनाथ, तो पानी तो गिर नहीं है यार, बस अभी ना गिरे जब तक हम एक्सरसाइज कर रहे हैं भोलेनाथ। तो काफ़ी प्यारा मौसम है एंड घुटना जब मुड़ रहा है यार साइकिलिंग के लिए, तो वो पेन काफ़ी दे रहा है, बट कोई नहीं, अब तो ऐसा हो गया कि चोट लगने की आदत सी होगी, एक्सीडेंट की आदत सी होगी। 5-6 महीने में ये 5वां एक्सीडेंट है हमारा। कभी साइकिल में मारते हैं, कभी हम पैदल रहते हैं तो पीछे से मारते हैं, कभी घर की सीढ़ियों से गिरते हैं, और इस बारी तो अचानक से सामने वाले ने मोड़ दिया। ड्रिंक किए हुए थे 2 बंदे थे गांव के, तो क्या बोलते, कोई नहीं चलता है, लाइफ है। तो ये बस धुरगुड़ा पहुंच गए भाई फाइनली। ये रास्ता धुरगुड़ा वाला, और इसी रास्ते से दूसरी ओर आगे से हाटगुड़ा। देखो हाटगुड़ा लिखा भी है बोर्ड में, 2.3 किलोमीटर। तो ये हम धुरगुड़ा वाले मार्ग से बस हाटगुड़ा की ओर जाने वाले।
वाले हैं भाई। बढ़िया चलते हैं हाटगुड़ा, बस पूरा कवर करते हैं। और मुड़ गए हम और अभी लगभग 8.5 या 9 किलोमीटर ही हुए हैं, तो अभी तो काफ़ी चलाना है क्योंकि यहाँ से वापसी मतलब 12 किलोमीटर, NH से भी जाएंगे तो 14 ही होंगे यार। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरफ कवर करें ज़्यादा। तो ये वो मार्ग देखो हाटगुड़ा बस्ती के अंदर आना है, हमें चल चुके हैं बढ़िया। ये पूरा 1 किलोमीटर का सर्कल है और यहाँ तक हमारे 8.75 हुए थे, ड्रॉप डाउन में 10.75। देन अगर यहाँ से रिटर्न जाते हैं तो 14.75 हो जाएंगे भाई। एंड ये हाटगुड़ा से गए तो बस्ती के अंदर से भाई, बट वापसी उस तरफ से नहीं आए। क्यों? क्योंकि काफ़ी वहाँ पे जो है डॉग्स बैठे हुए थे और थोड़े डेंजर वाले थे भाई, हमें लगता है डर। हम उस तरफ से गए नहीं, वापसी नहीं आए। हम हाटगुड़ा चौक पहुँचे, वहाँ से यू टर्न लेके अभी अपनी इस लोकेशन से होते हुए पूरा अंदर से जैसे आए थे प्रयास स्कूल के बैक साइड ही अभी, और ऐसे चले जाएंगे वापसी। राइडिंग करते करते हम आ गए NH 30 से अमागुड़ा चौक। तो मुड़ते हैं भाई अब और चलते हैं वॉकिंग करने बढ़िया जल्दी जल्दी, 6:30 हो गई होगी। तो राइडिंग हो गई थी कंप्लीट भाई, साइकिल रखे और वॉकिंग करते हुए भी वृंदावन लॉन की ओर आए हैं और लगभग 700 मीटर की वॉकिंग हो गई है। तो लास्ट तक चलते हैं 2.25 किलोमीटर, देन फिर यू टर्न। 5 किलोमीटर अभी कर लेते हैं, फिर बाकी जो है शाम के समय कर लेंगे अपन। वैसे हो ही जाएगा स्कूल पहुंचते तक 6-7 किलोमीटर। भोले शंकर, जय भोले शंकर, श्री शिवानवस्तुभम, श्री शिवानवस्तुभम, श्री शिवानवस्तुभम, श्री शिवानवस्तुभम, जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्ण। तो ये लिंगेश्वर महादेव के दर्शन भाई सावन के प्रथम सोमवार। तो अब चलते हैं, नहीं वॉकिंग रखते हैं कंटिन्यू मस्त। तो ये वॉकिंग करते करते हम आ चुके हैं भाई हलवा कचौड़ा। थोड़ा सा और चलते हैं पैदल, फिर यू टर्न ले लेंगे भाई। वो लगभग सोच रहे हैं कि 5 किलोमीटर अभी कवर कर लें और स्कूल जाते समय 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग हो जाएगी और शाम को फिर 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग। तो 8 किलोमीटर का जो क्राइटेरिया है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। ये वॉकिंग करते करते मंगरू कचौरा एंट्रेंस तक आ गए भाई। अब यहाँ से लेते हैं यू टर्न क्योंकि 2.65 किलोमीटर भी हो गए और हमें रिटर्न भी जाना है स्कूल के लिए क्योंकि ऐसी अधिवेशन। तो अब चलते हैं भाई इस और रिटर्न क्योंकि टाइम हो चुके हैं 7:25 एंड थोड़ा सा दौड़ भी लिए, लगभग 700-800 मीटर दौड़ लिए आज। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है दौड़ को। 8:37 और मंदिर जय भगवान जी, जय बाबा जी। तो हम स्कूल के लिए मस्त जयपुर मोड़ चलते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, दर्शन करते हैं और फिर बस पकड़ के भागते हैं सीधा स्कूल। खा रोटी पहुँचे हम RBS बस पकड़ गए, भोलेनाथ के दर्शन कर लिए मस्त। और अभी फर्स्ट परेड ले लिया हमें योगी मैडम जो है सोशल साइंस वाली जो PTI मैडम,
वो एडमिशन कार्य में व्यस्त थी 9 के, तो बोले क्लास ले लो सर सेकंड पीरियड में। ले लूँगी सेकंड पीरियड इसलिए क्योंकि 10 सर का हिंदी पीरियड, बट सर गए हुए हैं यार अपनी बहन के अस्थि विसर्जन में इलाहाबाद, तो उनके यहाँ दुख हुआ था, तो अभी वो गए एक महीने बाद ले गए अस्थियाँ, तो सेकंड पीरियड खाली था। सेकंड पीरियड में हम पढ़ा रहे थे, फिर मैडम बोली कि मैं ले लेती हूँ, फिर हम बच्चों को छोड़ दिया। अब 1 बजे बच्चे फिर आएंगे 9 बजे, फिर उनको पढ़ाएंगे, फिर 1:40 से 2:20 फिर 12 के बच्चों का क्लास है, फिर 12th वाले आएंगे, फिर 2:20 से 3 बजे तक 10th की क्लास है, फिर 3 से 3:40 तक जो है वो 11th की क्लास है, तो ऐसे ही कंटिन्यू है 1 बजे से 4 बजे तक। तो फिलहाल बैठे हैं, क्या करेंगे, फिर तो परेड ही नहीं है हमारा, सीधा 3 घंटे के बाद परेड है। तो भाई पहुँच गए हम वृंदावन लॉन, और अब जा रहे हैं घर की ओर, तो 8 किलोमीटर हो जाएंगे घर जाते तक। छुट्टी हो गई स्कूल की, तो जस्ट घर पहुँचे चौक और थोड़ी सी वॉकिंग, अब चलते हैं बढ़िया घर। एंड आज उपवास है सावन सोमवार, तो बस चलते हैं, शायद बाज़ार जाना है मम्मा जी को, बाज़ार लेके जाएंगे, देन फिर आके नहा के कुछ खा लेंगे भाई। कहीं गए नहीं, मम्मा जी ने कहा नहीं जाएंगे बाज़ार, तो बढ़िया हम भी नहा के निकल गए जल्दी, और पूजा कर लिए, तो अगरबत्ती जला के जय भगवान जी, जय बाबा जी, तो पूजा वूजा कर ली, मोबाइल चार्ज में लगाते हैं भाई, बढ़िया 6:30 के मम्मा जी लोग आएंगे, 7 बजे तक आए थे, ये आते ही होंगे तो आएंगे, तो हम कुछ डिनर करेंगे और आराम करेंगे भाई, क्योंकि सुबह उठना है स्कूल जाना है, तो वही रूटीन है, कोई चेंजेस नहीं, तो मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, मोबाइल चार्ज होना जरूरी है। खाना भाई ककड़ी पराठा दही एंड आलू की सब्जी, तो उपवास सबको होते हैं अपन। मौसम भाई साहब देखो बज गए 7:55 हो गए, तो डिनर कर रही है क्योंकि उपवास था, जल्दी कर लिए, सुबह कुछ खाया नहीं, देखी केला खा के गए थे बनाना अपन, और अभी मस्त आ गए रूम में लेटने, तो फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि सुबह उठना है फिर, फिलहाल इस ब्लॉग का एंड करते हैं भाई। आई होप आप लोग को अच्छा ब्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना दोस्तों, एंड चैनल बने हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोले शंकर, हर हर महादेव।